अल्लाह बरकातहु डयास्पर तशरीफ फर्मा मुख्य शिक्षक नसीमुन्निसा साहेबर सैयद अशफाक रवरे अल्लाह बखश रवरे अनुकुल बंडे हिरिया प्राथमिक शाले एला शिक्षक इवत तृप्ति आगे याकंद्रे उर्दू शाले ओलने तरगति अथवा एंटने तरगति वर्गू मक्लेन तमदे सैंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विविध सब्जेक्ट्स सैंस मैथ्स लांग्वेज ईटम्स चेन्नागी वन्ने क्लास हुड़गी ज़मरुतुन्निसा अंत हुड़गी नालकने क्लास हुड़गी मेडिकल हॉस्पिटल बग्गे वंदो ही स्पीक्स वेरी वेल इन इंग्लिश ऐसा बात करी वो बच्ची ऐसा लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में वो बच्ची पढ़ रही है। ये देख को बहुत खुशी हुई। मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोला डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूल्स विजिट करी पूरे स्कूल आके साइंस एग्जीबिशन ये वो पूरा ऑब्जर्व करा लेकिन आई फील वेरी वेरी कंफर्टेबली वेरी वेरी नाइस इन दिस स्कूल। ये शाले तुम्बा मक्कलो शिक्षक सहकार एक्सपेरिमेंट्स इट्टिद्दारे इदर बग्गे एरडु मातु एनु इरल्ला। आई थिंक इल्ली ओदुव मक्कलु नम्म ए पी जे अब्दुल कलाम आगलु एनु तोंदरे इरल्ला। शिक्षकरु इल्लिन शिक्षकरु अशफाक आगलि बखश आगलि आमेले बेरे एल्ल शिक्षकरु इद्दारल्ल ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥವಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಶಾಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ನಾನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ಆಜ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೈ ಆಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾ ದಿನ ಹೈ। आज का दिन हमारा मदरसा गवर्नमेंट उर्दू HPS नुगल बंडे में साइंस डे साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हमारे आनरेबल BO साहब और BRC के तमाम गेस्ट चीफ गेस्ट आए हुए थे और अब प्रेजेंट में हमारे ECO सर सैयद सिराजुद्दीन सर और हमारे तमाम स्टाफ टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे यहाँ के साइंस टीचर और स्टाफ टीचर्स की निगरानी में और उनकी मदद से हमारे मदरसे में हमारे मदरसे के बहुत सारे तलबा और तालिबात साइंस मॉडल बहुत से अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। इन तमाम का मुआयना करते हुए हमारे BO सर ने भी हमारे बच्चों की बहुत सी तारीफ़ की है और साथ ही साथ हमारे ECO सर भी विजिट करके जो बच्चे काबिल तारीफ़ हैं जो अच्छा प्रोजेक्ट बना के हैं उनके लिए प्राइजेस का डिसीशन दिए हैं हमारे लिए और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे मदरसे में आज तमाम ऑफिसर्स आए विज़िट किया और हमारे मदरसे के तलबा और तालिबात की बहुत सी तारीफ़ किए साइंस का एग्जीबिशन बहुत अच्छा है करके और ECO साहब का साथ ही साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे बुलाने पर वो हमारे मदरसे में हाज़िर हुए और हमारे बच्चों की तारीफ़ करते हुए उनको इनाम से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो अज़ीज़ असातिज़ा इकराम यहाँ आज का दिन जो है बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर है गवर्नमेंट उर्दू HPS नुकल मंडे स्कूल के अंदर एक छोटा सा साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम रखा गया। ये गवर्नमेंट स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखना बच्चों को तैयार करना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है, फिर भी तमाम असातिज़ा एक टीम की तरह मिलकर बच्चों के जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के लिए एक छोटा सा एक साइंस का एक एग्जीबिशन रखें। ये एग्जीबिशन रखने का मकसद बच्चों को साइंस की रुझान पैदा करना, साइंस के अंदर दिलचस्पी पैदा करना, मैथ्स के अंदर दिलचस्पी पैदा करना और साइंस ही आला से रोशनास कराना, साइंस ही आला से बच्चों को रोशनास कराना। जब बच्चे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ताहयात बच्चे उसे याद रखते, जब भी बच्चे इससे पहले भी जब भी बच्चे कर एक्सपेरिमेंट करके गए तो वो 10 साल 15 साल होने के बाद भी वो बच्चे हमें क्या मॉडल तैयार करे थे, हमें क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो आज भी याद रखे हैं। हमारा सबका मकसद यही है कि बच्चों को
आज जो है मियारी तालीम देना और साइंस के जो है एक्सपेरिमेंट से रोशनास कराना है और साइंसी रुझान पैदा कराकर हमारे बच्चे जो है हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे आज भी बीएससी में टॉपर्स आकर हैं, बीएससी एमएससी एमएससी करके प्रोफेसर भी बने हैं बीएससी करके, और एक बच्चे हमारे स्कूल में ही आकर टीचर इंशाल्लाह साइंस बीएससी बीएड करके फिर हमारे स्कूल में ही आकर आज ये गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बी के हैं बीएससी करके पढ़ रहे हैं। हमें यही सबसे बड़ा हमारे सबके वास्ते भाई से फ़ख्र की बात होती है कि हमारे बच्चे आगे चलकर पीयूसी में साइंस लें, बीएससी करें, एमएससी करें और तरक्की करें। बस हमारा यही मकसद के लिए हम बार बार ये साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद करते हैं। बस इतना कहते हुए इतनी बात। पूरे यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड के ये बच्ची का सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को पूरा तौर से एक्सप्लेन कराते हैं। इसके बाद विंडमिल का एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद ये हेलोग्राम, 3D हेलोग्राम किस तरह से बनाए, हेलोग्राम का है। इसके बाद प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में है, और उसके बाद से जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन लिया है उसके बारे में कहते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर है डीप वेल है, डीप वेल के बारे में एक्सपेरिमेंट किए हैं। यहाँ पर दो आइने के ऑपोजिट में रखकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन से कैसे फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी का है। और यहाँ पर कान के और मिरर के अंदर कैसा इमेज रियल इमेज और रिवर्स पड़ती है और इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर तो कान के और मिरर के अंदर किस तरह से इमेज पड़ती है। और ये 3D है, इधर से यहाँ से देखने पर एक अलग से पिक्चर बनती है, अलग से तस्वीर फोटो बनती है, स्ट्राइट से और एक फिगर बनता है और इस साइड से और एक फिगर बनते हैं और एक तस्वीर बनती है। और ये क्या है, लाइक पोल्स रिपल्स ईच अदर, अनलाइक पोल से अट्रैक्ट ईच अदर के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर है। यहाँ पर कैसे यहाँ पर पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से करंट की तैयारी कैसे, पानी यहाँ पर टरबाइन है, टरबाइन गोल जब चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर थ्री डी कैमरा है, प्रोजेक्ट ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी का, रियल हार्ट है और रियल किडनी है और इसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पर है पूरे अलग अलग से हैं। मसल्स ऑफ द बॉडी, रिप्स ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वर्क ऑफ द किडनी, नर्व सिस्टम, स्केलेटन, हार्ट ऑफ द बॉडी, देन फाइनली किडनी ऑफ द बॉडी, ह्यूमन किडनी। एंड दिस इज ए पेरिस्कोप। अब दीवार के उस पार के चीज़ें देखने के वास्ते इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज कैलिडोस्कोप। कैलिडोस मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ फेम इमेजेस बनते हैं। ये वॉकिंग वाटर है, वॉकिंग वाटर जैसे पेड़ के से ऊपर जड़ में पानी डाले तो पेड़ तक कैसा जाता है पानी, इस तरह से पानी एक गिलास से दूसरे गिलास के अंदर वॉक करते हुए जाते हैं। और ये क्या है, नाइल चेयर। इससे तमाम इसके नाइल जो हैं एक सा होने की वजह से अगर इस चेयर पर बैठे भी तो कुछ भी नहीं होता, आराम से बैठ सकती कर सकती सब है। और ये LPG गैस है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल से गैस की तैयारी किस तरह करती है। ये पेट्रोल है, पेट्रोलियम का जो गैस है पानी के अंदर जाता है वहाँ से गैस बनकर बाहर निकलता है। ये पिनहोल कैमरा है, पिनहोल कैमरा इससे अंदर जो है इससे देखने पर मोमबत्ती जो है उल्टी नज़र आचे। अब ये जो है ये बेलजार है, आवाज़ की इशात के लिए हवा का होना ज़रूरी है, अगर हवा नहीं है तो आवाज़ बंद होगी। हवा है तो आवाज़ निकलती है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स है, इसके पूरे तमाम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर है। इसके बाद जो है डैम है, एक छोटा सा डैम बनाए हैं, वाटरफॉल्स, ये
वाटरफॉल्स, बच्चों को एक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए एक वाटरफॉल्स है। ग्लास ग्लोब, ग्लास ग्लोब, ये बच्चों के जाने से एक ग्लास ग्लोब का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसके पेपर अनफर। और यहाँ पर एक छोटा सा जॉइंट व्हील, जॉइंट फिरोज फिरोज, एक जॉइंट व्हील का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। और एक यहाँ पर एक जेसीबी, एक जेसीबी का मॉडल है। ये जेसीबी किस तरह से काम करती है, आप खेतों में कैसा काम करती है, घरों बनाने के वास्ते कैसा काम करती है, उसके वास्ते। और ये ना ये क्या है, जब वाटर टैंक, जब टैंक भर जाती है तो उसका इंडिकेटर मालूम होता है, पानी की बचत के लिए जो है, जैसे बर्जर आता है, जब इंडिकेटर आता है तो अब हमें टैंक को पानी को बंद कर देते हैं, तो पानी का बचत होता है। और स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप बच्चे जो है, स्टेथोस्कोप निकालो, स्टेथोस्कोप के जो है, स्टेथोस्कोप यूजर्स और स्टेथोस्कोप किसने बनाया, कब बनाया, उसके मुताबिक पूरी जानकारी देती है। और यहाँ पर दिखाओ, हाइड्रोलिक ब्रिज का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है। जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रिज, जहाँ जब भी जहाज जाती है तो ये ब्रिज ओपन होता है, जैसे ये जहाज जाने के बाद, शिप जाने के बाद, फिर अपने आप ये बंद होता है, उसके बाद फिर ये सवारियाँ रोड, फिर जैसे का वैसा बन जाता है, सवारियाँ आ जाती। यहाँ पर ठंडी हवा जो है वजन रखती है, गर्म हवा हल्की होती है। अब उसके वास्ते एक मॉडल है, एक गिलास, बी गिलास, ये गिलास से हवा अंदर जाचे, बी गिलास से बाहर आचे। अब यहाँ क्या है, इसे हवा नज़र नहीं आती, उस वास्ते अगरबत्ती का, धुएँ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर क्या है, अगरबत्ती के साथ, धुएँ के साथ हवा अंदर जा रही है, बी गिलास से बाहर आ रही है। अब यहाँ पर एक छोटा टोरा एक रंगराट बनाए गए हैं बच्चे। और ये बच्चों की जानिब से एक फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों के बारे में, फॉरेस्ट में उनके घर, वो कहाँ रहते हैं, उनकी ग़िज़ा क्या, उससे मुताल्लुक ये पूरा फॉरेस्ट के बारे में ये बच्चे बताएंगे। और यहाँ पर जो है सूरज, एक ये सूरज है, ज़मीन, ये चाँद। हाल ये मॉडल क्या करके बोलने का जानते थे सर, तुम एक एक बुला लो आ जाओ। अब ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के मुताबिक एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है यहाँ पर है। और यहाँ पर एक छोटा सा घर का एक मॉडल, छोटा सा घर का एक मॉडल है, ये भी एक घर का एक मॉडल यहाँ पर है। फॉरेस्ट है, एक मक्का का एक मॉडल बनाया है, ये छोटा सा फॉरेस्ट, और एक बच्ची भी यहाँ पर एक फॉरेस्ट। और यहाँ पर सॉइल बोला लो, क्या है ये, हाँ बोला, कैसे कैसे जल्दी जल्दी, सैंड, और पार्ट्स ऑफ द, बस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के मुताबिक बोलो, एक दो बोला लो, हाँ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर हीट। अब यहाँ पर ग्राफाइट इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक आयरन इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वायर प्लास्टिक, प्लास्टिक कॉटन इज ऑल्सो पुअर, दिस इज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी नाम खाली स्मार्ट सिटी के बारे में। क्रिकेट अबाउट द क्रिकेट स्टेडियम एंड दिस इज द मॉडल ऑफ फ्लॉग टी फ्लॉग। यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन है, इसे आयोडीन सॉल्यूशन है, इसे कार्बोहाइड्रेट की मिकदार, कौन से गिज़ा में कितना कार्बोहाइड्रेट है उससे मालूम करने के वास्ते आयोडीन सॉल्यूशन आई। अगर आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें ब्लॉक हो गया तो मतलब कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा है, को मालूम कर सकती है। अब यहाँ पर क्या है, एयर प्रेशर के वास्ते एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर एसिड बेस, एसिड और बेसिस के लिए एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है। तमाम
एसिड्स अलग हैं, एसिड्स के सॉल्यूशंस अलग हैं, इंडिकेटर्स अलग हैं, लिटमस पेपर ब्लू लिटमस रेड लिटमस पेपर अलग अलग हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये क्या है, रेनबो हवा रोशनी के अंदर 7 कलर हैं, लेकिन जब ये तेज घूमती है तो एक ही कलर एक ही रंग नज़र आता है। और ये मैजदा शेप्स हैं, उसके नेम्स ही अगर करेक्ट मैचिंग हुई तो यहाँ पर लाइट ऑन होता है। अगर रॉन्ग मैच, अब सर्कल है, सर्कल के लिए सर्कल का शेप्स को मैच किया तो लाइट ऑन होता है, अगर नहीं है तो रॉन्ग नहीं होता। अब यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करें तो आता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक फाउंटेन बनाया गया है, फाउंटेन अभी इस किस तरह से फवारे निकलते हैं, यहाँ पर फवारे निकल रहे। और ये क्या है, एक वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल का पकड़ लिया, वाटर साइकिल का एक एनिमल। और ये पकड़ नहीं हरा, हाँ ये बोलो क्या बुला लो तुम्हें, क्या है ये, बोलो दिस इज टेक्नोलॉजी क्या, टेक्निकल आइटम्स पूरे सैटेलाइट कोलंबिया सैटेलाइट मॉडल एंड एवरेज एंड एवरीथिंग। दिस इज दिस ऑल मैथ्स एंड दिस इज बोला माइक्रोस्कोप बोलो दिस इज स्टेज दिस इज आई पीस दिस इज एडजस्टिंग क्लिप दिस स्क्रू दिस फाइन एडजस्टमेंट दिस आर परमिनेंट स्लाइडर लाइक पैरामीशियम अमेबा टिश्यू स्टेम। माइक्रोस्कोप यूजर्स के बारे में बताए हैं। और एक मैसूर जू है, मैसूर जू इसके अंदर जू के अंदर जो है बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर रखे गए हैं, एनिमल्स के फूड उसके रहने की जगह और एनिमल्स से मुताल्लुक एक जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक छोटा घर का मॉडल है और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का और एक फ्लोटिंग हाउस है, फ्लोटिंग हाउस। जब से पानी तो केरला के अंदर कश्मीर के अंदर पानी जब भी बारिश आती है, जब भी पानी ज़्यादा होता है तो ये घर अपने आप ऊपर चला आता है, जैसे ही पानी कम होता है पानी नीचे चला जाता है, फ्लोटिंग है। ये टोरा टोरा का एक मॉडल बनाया गया है, टोरा टोरा का एक मॉडल। यहाँ पर एक छोटा सा घर का मॉडल है, यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मुताल्लुक है, प्रोटीन्स और विटामिन्स के मुताल्लुक जानकारी देने। अब हाँ शेप्स आपका मैथमेटिक्स के बारे में, पूरे मैथमेटिक्स के शेप्स जो हैं उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर बच्चे खुद बनाकर लाए हैं, इंडियन करेंसी के मुताबिक जो है पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मॉडल बनाया गया है, यहाँ पर फोर सीजन ऑफ द ईयर समर सीजन विंटर सीजन रेनिंग सीजन स्प्रिंग सीजन। ये बच्चों ने ये मॉडल बनाया है, कुएं में पानी बारिश कहीं भी पड़े कुएं में पानी किस तरह से आता है, जमा होता है। अब यहाँ पर कुआं है, पानी कैसे आता है इसके लिए सिस्टम कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आते हैं ये बच्चों को बताया गया है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, सीपीयू वगैरह, इसके बारे में जो है बच्चों को नॉलेज दी गई है। छोटा सा चार्ट इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से करना है, छोटे छोटे सेंटेंस बच्चे किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है। वाटर फिल्टर जो है पानी किस तरीके से साफ होकर आता है, फिर उसे रिफिल्टर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में जो है रयान ने इस मॉडल को बनाया है। समंदर में भंवर किस तरीके से आता है उसकी एक छोटी सी जो है यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से वो पानी हर एक चीज़ को लेकर अंदर किस तरीके से चला जाता है। फैजान का मॉडल
पानी की कसाफत, पानी की कसाफत चीज ऊपर ढंग से, अगर कसाफत कम है तो नीचे चला जाता है। पार्क बनाया गया, नेशनल पार्क है। किस तरीके से सलमान ने इस मॉडल को बनाया है। ओके, जानवरों के मुख्तलिफ अकसाम बताए गए हैं और परिंदों में बताए गए हैं। सोलार सिटी जो है यहाँ पर बनाया गया है, इसका मॉडल है। सूफिया ने सोलार सिटी को तैयार किया है। कागज है, अगर ये कागज को भी हवा जगा देती है, पानी में अंदर डाल दे, नहीं डूबता हुआ कागज सूखे कर हवा घेरती है। अरे बहुत अच्छा मॉडल है, यहाँ पर इससे कौन सा ग्रेटर लेसर टाइम का चलन है, ये इल्मे रियाज से ताल्लुक रखता है ये मॉडल। कौन सा नीचे आ गया, मतलब ये ग्रेटर है या लेसर है? मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है। लंग्स का एक छोटा सा मॉडल जो है यहाँ पर बनाया गया है, लंग्स का छोटा सा मॉडल है। एटीएम मशीन बनाई गई है, 500 की नोट डाले, 500 की नोट आ रही है। ओके, शुक्रिया। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए ये मॉडल बनाया गया है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए आवाज़ इतिहास से पैदा होती है। आवाज इरतास से पैदा होती है, वो मॉडल बनाया गया के लिए है। पानी ज़िराअत किस तरीके से करते हैं उसके लिए मॉडल बनाया गया है। कुआं है और उसके बाद जो है बाजू में बगीचा बनाया गया है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है मुखनातिस के जो है यहाँ पर खासियत को बताया गया है। जी जी, ओके। बच्चों की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत एक ज़ू बनाया गया है। ज़ू का प्रोजेक्ट मिलने पर बच्चे खुद बना कर आए हैं। वैक्यूम क्लीनर का है, जैसे बैटरी ऑन होती है तो तमाम क्या है इसमें से निकल कर आते हैं। और ये क्या है इसमें, बुला लो तुम्हें, खाली चंद्रयान बोलो कैसा काम। Hi, good afternoon. I am Mahira Tarannum. I am studying in third standard English medium, government Urdu. It's PS Nupal Vande Mulbaga. This is Chandrayaan 3. This is the third mission. ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट का बनाया गया है मॉडल, बहुत अच्छा है। ये इंडिया गेट का बहुत ही एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया गया है, बच्चों खुद बनाकर लाए हैं मेहनत से। और एक हमारा गांव है, ये हमारा गांव में जो जो चीज़ें यहां पर गांव हमारे गांव के अंदर कौन कौन से अहम चीज़ें हैं, स्कूल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, और कुआँ है, रोड, और तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाए गए हैं। बुला लो, खाली क्या क्या है बुला लो। ये ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पर 3 लाइट है, लाल लाइट सिग्नल पर सवारियाँ रुक जाती है, पीला लाइट सिग्नल पर सवारियाँ रेडी रहते हैं, हरा लाइट सिग्नल पर सवारियाँ चलते हैं। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर लोग रोड क्रॉस करते हैं। ये TC है, ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माय प्रोजेक्ट नेम इज ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट यह वाटर में चलती है, एयर ट्रांसपोर्ट यह हवा में जाती है, लैंड ट्रांसपोर्ट यह ज़मीन पर चलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
एक छोटा सा फॉरेस्ट का मॉडल है स्कूल का, एक स्कूल का जो है हमारी स्कूल गवर्नमेंट उर्दू एसपीएस निकल मंडे का एक मॉडल है, और ये भी एक छोटा जू का मॉडल है, एक मैजिक लैंप है, निकालो ऑन करो जल्दी, मैजिक लैंप है, इसमें जैसे ही पानी डालते हैं मतलब पानी जो है, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए एक मॉडल है, ये दूरबीन है और एक छोटा सा फॉरेस्ट है, और हेल्थ का, हेल्थ इज अ सेट ऑफ ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड बेगिंग आर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेटिव। फाइव सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ब्रेन कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन्स, वी कैन सी फ्रॉम आईज, वी कैन हियर फ्रॉम ईयर्स, वी कैन स्मेल फ्रॉम नोज, वी कैन टेस्ट द फूड फ्रॉम टंग, वी कैन चेक द मटेरियल इज हार्ड और सॉफ्ट, हॉट और कूल फ्रॉम आवर स्किन। My name is Samru Tinisa. I am studying in 4th standard. My project name is Table Chart. In this weekend, I really can kill the table from 1 to 10. And also more, if I run rotation chart one by one, we can easily understand the table. Lemon से electricity किस तरह से produce होती है उस तरह, इसके लिए एक छोटा सा मॉडल तैयार किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक गेंद है यहाँ पर, ऑसम, अब दो हैं, मतलब इसमें कौन सबसे फास्ट एंड फास्ट रखते हैं उनका विन होता है, बच्चों खेलते खेलते सीखने के वास्ते, और यहाँ पर एक गेम है, इसे कौन सबसे पहले डालती, मतलब यहाँ पर आँखों का भी कॉन्सेंट्रेशन होना, हाथ का होना और दिमाग का होना, मतलब ऐसा, चलो असम। और यहाँ पर है जो है एक छोटा सा, हाँ दिखाओ, एक इसके अंदर जो है ऐसे नहीं कर सकता, इसे जो है बराबर इसका सेंटर पॉइंट निकाले तो इससे भी क्या आसानी से, ये छोटे से बलून को भी हमें फूक को अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि इसके अंदर हवा है, जोर से फूको, मतलब जब इसके अंदर से हवा बाहर निकले तभी सो कोई चीज़ अंदर जाती। यहाँ पर एक छोटा सा उसी का पजल्स है, इसमें 5 5 2 5 9 8 9 8 अलग अलग हैं, इसमें से फाइंड आउट करना, और एक वहाँ पर एक टारगेट गेम है, टारगेट गेम डालो बराबर निशान लगाओ समय से, एक टारगेट गेम है, क्लैप्स मारो, क्लैप्स मारो, समय दे वो दे दे, उसे बराबर सेंटर में रखो, सिर आप कर लिया, मैग्नेट की खसूसियात भी मालूम होती हैं और एक छोटा सा गेम भी मालूम होता है, समय लो ज़रा, सीधा पकड़ो, सीधा सीधा पकड़, सीधा स्ट्राइट स्ट्राइट, हल्लू हल्लू डालो लग जाता है, हाँ हाँ हाँ, बच्चों की जानिब से जो है बच्चों को उसके बारे में रुझान जानकारी देने के लिए बच्चों की जानिब से खुद बच्चे जो है बीपी, हर एक की बीपी चेक कर रहे हैं, शुगर चेक कर रहे हैं, और उनका हाइट वेट और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करके उनको ज़रूरी जो है कॉशन दे रहे हैं, शुगर के बारे में, शुगर के बारे में। माय नेम इज़ मुस्कान ताज, आई एम स्टडीइंग 7th standard, माय स्कूल नेम इज़ जू एचपीएस नुकल बंडे मुलबागल, इफ़ यू प्लीज़ कम एंड चेकअप योर शुगर लेवल, आई टेस्टिंग ऑक्सीजन लेवल, वेट एंड हाइट। If your now explain you how to know about your sugar level. If your sugar level is between 70 to 160, it is normal. If your sugar level is
above 160, that's mean your sugar level is high. Then you should walk daily, do exercise and eat sugar free foods. If your sugar level is below 70 mg, that's mean your sugar level is low. Then you maintain your sugar level. Do you know sugar level is depending upon several factors: health condition, age and food habits. Thank you. Thank you.